चैन भाइयों और मैं मोनू रंजन आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ घर बैठे कैसे करें आप फिजिकल की बेहतर तैयारी। दरोगा पुलिस, बिहार ड्राइवर और दिल्ली पुलिस, जितने भी टाइप के फिजिकल है आप घर बैठे कैसे करो तैयारी, मैं इस पे पहले एक नज़र डालता हूँ। सबसे पहला नज़र कि आज जो आपका वर्कआउट होगा आज है इंडोरेंस। मैंने जैसे इंडोरेंस किया है आधे घंटे का इंडोरेंस, उसके बाद आप स्ट्राइक लगाओ 5, उसके बाद स्टैंडिंग एक्सरसाइज करो, उसके बाद वॉक करो। जितना आप आधा घंटा रनिंग किए, जितना लैप लगाए, उतना देर आप वॉक करो। जब वॉक करने से आपका बॉडी एकदम पूरा नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करो, और स्ट्रेचिंग सीटिंग एक्सरसाइज को ही बोलते हैं, पूरा स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद आप योगा करो। ये था आज का आपका वर्कआउट। अब ध्यान देते हैं हम लोग अफवाहों में। कल रात से ही, कल शाम से ही एक अफवाह उड़ रहा है कि बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गया, इतना कट ऑफ है, ये है वो है जनरल, दैट इज फॉल्स, फेक, फर्जी, टोटल का टोटल ये फर्जी न्यूज़ है। इसीलिए आप इस पर ध्यान नहीं दें। और मैं बता देता हूँ मेडिकल वाले के लिए और टाइगर जंप वाले के लिए, आयोग में बात को दरकिनार कर दिया जा रहा है। सबका एप्लीकेशन, सबका अपील, सबका विनती, मैं भी ऐसे हाथ जोड़ जोड़ करके आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं बोला हूँ, लेकिन वो भी दरकिनार किए। मैं ज़्यादा बोल रहा था यूट्यूब में तो हमको पकड़ गया। अरे भाई, पकड़ने से क्या हो जाएगा, मोनू रंजन मर जाएगा बिहार में, एक मोनू रंजन अंदर जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, या करोड़ों की संख्या है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग घबराए नहीं, टाइगर जंप वाले और मेडिकल वाले, क्योंकि यदि आनन फानन में मेरिट लिस्ट जारी कर देती है आयोग तो ये मामला हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट यदि इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्चतम न्यायालय, लड़ाई अंतिम सांस तक लड़नी होगी और सभी को मिलकर लड़ना होगा। आप लोग आलोचना कम करो, काम पे ज़्यादा फोकस करो। और आप लोग सोचते हो कि आलोचना करने से मोनू रंजन रुक जाएगा, थम जाएगा, डर जाएगा, तो ये आपकी भूल है। मैं लड़ूंगा और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे मेरे पीछे कोई रहे अथवा नहीं रहे। शरीर है, खाली शरीर लेके आया हूँ, खाली शरीर लेके जाना है। और जिसका सिलेक्शन हो गया है वो ज़्यादा आलोचना नहीं करें। बैठ करके उस समय भी आप तमाशा देख रहे थे और आज भी आप तमाशा देखिए। लड़ाई, ये लड़ाई उस बच्चों का है जो बच्चे 3 साल निकाल दिए, अपना 3 साल दे दिए और उसको हाथ लगा 0, बस सिर्फ एक टाइगर जंप में और सिर्फ एक मेडिकल जमा करने में। कम से कम उसको भी आप देखो, वो भी आपका छोटा भाई है। इसीलिए मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग धैर्य मत खो, हिम्मत से काम लो, और 15 तारीख के बाद से कोर्ट, शायद अभी लॉकडाउन का समस्या बढ़ गया है, मतलब लॉकडाउन का पीरियड बढ़ गया, 25 तारीख तक हो गया, यदि जब स्टार्ट होगा कोर्ट नियमित रूप से चलेगा, उस समय आपको जीत आपको जरूर मिलेगा। और मैं मोनू रंजन नहीं दूंगा, जो नियम है कि कोई भी चीज़ चेंज करने से पहले अग्रिम सूचना आपको देना है जो आपने नहीं दिया है, ये सबसे बड़ा गलती है। ये तानाशाही, हिटलर शाही नहीं है, 100 साल पहले ये सब होता था। ये बिहार है, ये भारतवर्ष है, इसमें युवाओं का उतना ही अधिकार है जितना नेताओं का यहाँ रहने का अधिकार है और सरकार का रहने का अधिकार है। इसीलिए आप लोग घबराए नहीं, आप लोग को जीत जरूर मिलेगी और न्यायालय आप लोग को जीत दिलाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ, बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें और प्रोत्साहित करें। कोई भी काम यदि समाज के लिए, आपके लिए, कोई दूसरे के लिए करे, मेरे लिए, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो उसको जरूर इस तरह के आदमी को सम्मान और प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। मैं हमेशा देता हूँ, जो सम्मान के अधिकार है उसको सम्मान दीजिए, जो तिरस्कार के अधिकार है तिरस्कार दीजिए, जो सम्मान के अधिकार है उसको आप तिरस्कार दीजिएगा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई सामने आता नहीं था। बिहार में 5,000 ट्रेनर होगा लेकिन
कोई भी मनोरंजन के कंधे में कंधे मिला करके साथ नहीं आया। मनोरंजन अकेले है, अकेले रहेगा, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। वन मैन आर्मी के तरह मैं काम करूंगा, डोंट वरी। इसलिए अफवाहों में ध्यान नहीं दें, आज मुझे आकर के आप लोग को बताना पड़ा, इसलिए अफवाहों में आप ध्यान नहीं दें, बस इंतजार करें उस दिन का जिस दिन दाहिने और बाएं कंधे में आपका स्टार और वर्दी चमचमाता हुआ पहनोगे, ये मेरा विश्वास है। जय हिंद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।